जैसे आप देख रहे हैं मुबशर सिद्दीकी की एंट्री होने वाली है यहाँ पे, और वो आने वाले हैं अभी, लाइट्स आउट हुई है फुल टाइम हैवी किस्म की। तो भी ओह हियर वी गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला, जैसे कि व्हाट इज लाइफ, क्या जानवर एक दूसरे से बात करते भी हैं कि नहीं, मरने के बाद असल में होता क्या है, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है ये कभी तरक्की कर पाएगा कि भी नहीं, ज्यादा पानी आती है तो ज्यादा बारिश क्यों होती है। लेकिन मेरा इन सवालों से कोई लेना देना नहीं, मैं आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सवाल के बारे में सोचता रहा हूँ कि मुबशर सिद्दीक फ्रॉम विलेज फूड सीक्रेट में आखिर कितनी ताकत है, कितनी ताकत है मुबशर सिद्दीक में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले उसके ना गाँव में लोग जा रहे थे और जाके ना वीडियोज बना रहे थे कि मुबशर सिद्दीक हो गया था फेमस। तो मुबशर सिद्दीक ने फिर ये वीडियो लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि अगर आपने गांव में आके मिलना है तो मिलने, लेकिन अगर आप हमारे गांव में आके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आपकी बहुत पिटाई होगी। गांव में अब ये फैसला हो चुका है कि कोई भी बंदा कैमरा लेके घूमता हुआ वीडियो बनाता हुआ कहीं पे भी पकड़ा जाता है तो गांव में जो सजा है वो अपनी जगह पे है और उसको पुलिस के हवाले भी किया जाएगा। तो दैट मेड मी वंडर के लाइक यू नो, अगर आप मुबशर सिद्दीक की गांव में जाके वीडियो बनाते हैं या लेट से उसका सालन जला देते हैं या लेट से उसकी देग उल्टा देते हैं तो आप उससे पोटेंशियली कितनी मार खा सकते हैं। मैंने कल यूट्यूब शॉर्ट लगाई थी जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को मेरी और मुबशर सिद्दीक की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है एंड सब्सक्राइब टू फाइंड आउट। वो बेसिकली मैंने सस्पेंड डालने के लिए बनाया था, मेरी मुबशर सिद्दीक की एक्चुअली लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हमने उससे भी कुछ चीज ज्यादा मजे की है। मैंने ये किया कि मैंने मुबशर सिद्दीक का बनाया एवटार WWE 2022 की जो वीडियो गेम है ना रेसलिंग वाली, उसके अंदर उसमें मैंने मुबशर सिद्दीक के डिफरेंट डिफरेंट स्टैट इकट्ठे किए, मैंने उसकी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं कि मुबशर सिद्दीक ने यहाँ पे इतना बड़ा पिज्जा हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इतने बड़े पिज्जे को हाथ में पकड़ने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जान चाहिए होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसपे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, जैसे आप इसकी वीडियो में मटका देख सकते हैं कि मटका सामने पड़ा हुआ है, इसकी मैंने हाइट को गूगल किया जल्दी से जाके, लेट से इस मटके की हाइट है 18 इंच, उसको मैंने मुबशर सिद्दीक के पर्सपेक्टिव पे रख के देखा कि अगर ये मटका मुबशर सिद्दीक के सर जितना है जैसे आप देख सकते हैं, तो 18 इंच को हम इसको 6 दफा कर दे तो वो मुबशर सिद्दीक की हाइट बन जाएगी। मुबशर सिद्दीक को दिन रात बैठ के देखता रहा कि वो क्या करता है, किस तरह चीजें करता है, उसका गुस्सा कितना है, वो गम में किस तरह एक्ट करता है, एंड फाइनली हमने अपना परफेक्ट कैरेक्टर बना लिया। अब हमने ये ढूंढना है कि ये जो मुबशर सिद्दीक का एवटार है, जब इसको आम बंदे के एवटार से लड़ाया जाए तो उसको कितनी मार पड़ सकती है। तो उसके लिए ऑफकोर्स आपके भाई ने अपने आप को सेक्रीफाइस करने को सोचा और मैंने सोचा कि मैं अपना एवटार मूसा खाना का एवटार बना के देखता हूँ कि अगर हम दोनों की लड़ाई हो जाए एक सिमुलेशन में रेसलिंग की तो कौन जीतेगा। वीडियो के आगे जाने से पहले, अगर आप ये वीडियो सो फार एंजॉय कर रहे हैं देन यू इन फॉर अ ट्रीट फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो, तो उससे पहले कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो वापस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने फेशियल शेप चूज की मुबशर सिद्दीक के लिए, उसका फेस बनाने के लिए एक पिक्चर ली थी बेसिकली, और उस पिक्चर को मैंने ऊपर डाला था मुबशर सिद्दीक की, तो उसकी पिक्चर आ गई। अभी बॉडी टाइप हम देख रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कहा ज्यादा एब्स हो जाएंगे तो ये वाली बॉडी कर लेते हैं, आई थिंक मुबशर सिद्दीक के ऊपर ये वाली बॉडी सबसे फिट बैठती है। उसके बाद हम गए, हमने मुबशर सिद्दीक की देखी पर्सनैलिटी टाइप, मुबशर सिद्दीक की प्रॉस्पेरिटी को लिखा रिस्पेक्टफुल, क्योंकि बंदा वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है मुझे पता है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज देखी कि बोल्ड, मुबशर सिद्दीक इज वेरी बोल्ड, ठीक है। वो आपको मतलब कि वीडियो में बता रहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं आपको अगर आप आ गए, और डिसिप्लिन भी है बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। होम टाउन के लिए हमने कहा कि मुबशर सिद्दीक ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं कैनेडा से तो है नहीं, तो मुबशर सिद्दीक को हम लेके गए सीधा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान में आई थिंक मुबशर सिद्दीक के सियालकोट से, तो सियालकोट की उधर ऑप्शन नहीं थी तो मैंने मुबशर सिद्दीक को लाहौर में डाल दिया इस कैटेगरी में। फिर हमने चूज किया मुबशर सिद्दीक का स्टैंड क्या होगा, ये वाला होगा जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा मुबशर सिद्दीक का स्टैंड लगा ये वाला जिसमें वो फाइटिंग के लिए रेडी बैठा हुआ है। जब एट्रीब्यूट्स पे गए मुबशर सिद्दीक के, तो आपने देखा कि उसकी जो आर्म पावर है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत हेवी किस्म की देगे उठाता है वो, लेग पावर भी ज्यादा होगी तो 70+ हम कर लेंगे, और बॉडी ड्यूरेबिलिटी ऑफकोर्स क्योंकि आई थिंक ही वर्क्स हार्ड तो ड्यूरेबिलिटी बॉडी की बहुत ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ को तो हम ज्यादा कर देंगे 80 पे कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तगड़ा आदमी लगता है मुझे। स्टेमिना भी हम उसका फुल कर रहे हैं। जब कपड़ों की बात आई तो मुबशर सिद्दीक यूजली शलवार कमीज पहनते हैं, शलवार कमीज हमारे पास थी नहीं तो मैंने इसलिए ना मुबशर सिद्दीक को एक बनियान पहना दिया फिट किस्म का, क्योंकि पता है शलवार कमीज के अंदर तो बनियान ही पहनता होगा ना मुबशर सिद्दीक। बनियान पहनाने के बाद हमने देखी मुबशर सिद्दीक की बॉटम्स, क्योंकि कौन सी बॉटम पसंद आएगी सबसे ज्यादा शलवार जैसी लगे, हमें सारों मुबशर सिद्दीक की सबसे ज्यादा शलवार देगी, जैसे आप देख सकते हैं नाड़ा है इसका यहाँ पे। और उसके बाद जूतियां ऑब्वियसली बाथरूम वाली चप्पलें जो होती हैं ब्लू वाली, पाकिस्तान की सबसे सिग्नेचर चप्पलें हैं। अगेन नो डिस्पेक्ट टू मुबशर सिद्दीक, आई वांट इट टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल, क्योंकि जिन चप्पलों में लोगों को ठुड्डे मारता होगा फिर वो यू नो उसका इफेक्ट भी बॉडी, उसके इफेक्ट भी अवतार के अंदर आता है, तो कैंची चप्पलियों का मार बूट की मार से अलग होगी। जैसे मैंने कहा लड़ने के लिए उसके साथ मैंने बनाया अपना अवतार, अब आप शक्ल देख सकते हैं मेरे अवतार की इतनी अच्छी नहीं बैठी, मैंने बहुत कोशिश की थी कि उसके ऊपर ना मैं अपनी शक्ल की पिक्चर लगाऊं
तो दिस इज द बेस्ट आई कुड मेक। बालों पे बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे सबसे परफेक्ट बाल जो अपने अवतार के लिए मिले वो यही थे, क्योंकि मेरे अभी तक बाल हुए हैं, ये वाले बाल नहीं एक्चुअली आने वाले, ये वाले बाल, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छे बाल मेरे ये वाले रहेंगे। उसके बाद मैंने अपने अवतार के कपड़े ढूंढने की कोशिश की, तो मैं सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली पहनता हूं ब्लैक शर्ट, तो मैंने उसमें ब्लैक शर्ट ढूंढने की कोशिश की। जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक शर्ट आगे नीचे, ऑब्वियसली मैं हमेशा पहनता हूं ब्लू जीन्स जैसे आप देख सकते हैं, तो अभी मैं उसको जीन्स पहनाऊंगा ब्लू। ये वाली जो जीन का कलर है उस जीन के कलर से मैच कर रहा है, तो परफेक्ट अवतार मेरा भी बन गया है। अब ये सारी हो गई स्टैट्स की बातें, हमने स्टैट्स बना लिए, मुबश्शर सिद्दीक का फाइनल खूबसूरत सा अवतार बना लिया, खूबसूरत जैसे मुबश्शर सिद्दीक खुद है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, क्योंकि अगर हम दोनों को रेसलिंग रिंग में लड़ाएं तो कौन ज्यादा जीतेगा, कौन ज्यादा डैमेज करेगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो आप जैसे देख सकते हैं हम रेसलिंग की गेम के अंदर गए, हमने अपने दोनों कैरेक्टर्स बना लिए, अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा मैच कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली वन ऑन वन मैच करेंगे हम, और हम जाएंगे स्टील केज के अंदर। नाउ वी हैव सिलेक्टेड आवर फाइटर मुबश्शर सिद्दीक ऑन वन साइड, ठीक है, और ऑन द अदर साइड वी वांट टू सिलेक्ट मी ऑफ कोर्स। जैसे देख सकते हैं ऑन द अदर साइड हमने ले लिया मूसा खाना को, अब मुबश्शर सिद्दीक वर्सेस मूसा खाना, ठीक है, तो दिस इज हेल इन द सेल, ठीक है, तो केज मैच हो रहा है, इस पे मैं कहीं नहीं भाग सकता, तो देखते हैं कि मुबश्शर सिद्दीक मेरी कितनी पिटाई करेगा या मैं मुबश्शर सिद्दीक के कितना आगे आगे लड़ सकता हूं। तो अभी हमें कुछ नहीं पता, तो लेट्स गो विद द इंट्रोडक्शन। जैसे आप देख रहे हैं मुबश्शर सिद्दीक की एंट्री होने वाली है यहाँ पे, और वो आने वाले हैं, अभी लाइट्स आउट हुई है फुल टाइम हैवी किस्म की, तो भी ओह हियर वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, मुबश्शर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। केज मैच मेकिंग हिज वे टू द रिंग फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, लड़ने से पहले हम जल्दी से स्ट्रेच कर लेंगे, आह आह मजा आ गया मुझे। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि मूसा खाना इस रिंग में कब आएंगे ताकि हम उसकी पिटाई कर सकें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कंपटीशन में आ गया उम्मीद। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा नाम है मूसा खाना, इस तरह मैं वॉक करके रिंग के अंदर आ रहा हूँ। अगर आपको मेरा जज्बा जुनून पसंद आया तो इसी बात पे कर दे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। जैसे मैं रिंग में एंटर हो रहा हूँ, आप देख सकते हैं भाई मैं रेडी हो रहा हूँ, ठीक है, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, चेक करें जरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्राउड आई हुई है इस वक्त। लो जी बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खड़ी मसूर की लात मार लेनी है इसे। अब हम इसकी करेंगे मिलके पिटाई, ये पड़ेगा इसे मखनी ठुड्डा। लेकिन हाँ भाई, सब्सक्राइब लाइक, सब्सक्राइब लाइक, हम इसकी टांगे तोड़ेंगे भी मुबश्शर सिद्दीक की। इधर आओ जरा मुबश्शर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको ये घूम के मारी चपेड़, एक और मारेंगे इसे। अब हमने इसकी पकड़ने लिए लातें, और हमने इसकी लाते पकड़ के तोड़ देने हैं उसके घुटने। आपने घबराना नहीं है, अब इसको मारेंगे हम ड्रॉप के। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको भूनी भी लात मारनी है रख के। आपने कोशिश करना है कि जब आप लाते मारे तो सालन जल ना जाए, इसको लाते मारते रहेंगे। हाँ भाई, इतनी मार पड़ी है मुझे, इतनी मार पड़ी है। ओए 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 बस ओ बस, ये इस तरह आपने हसबे जायका ले लेना है, गरम मसाला हल्दी। कितनी बार पड़ी है मुबश्शर सिद्दीक से। लो भाई, मैं काउंटर मार रहा हूँ, जैसे आप चेक कर सकते हैं। ये लात मारी, ये वापस। ओए प्याज, लाल मिर्च, काली मिर्च, थप्पड़, एक घूम के चपेट मारी। जैसे आप देख सकते हैं मुबश्शर सिद्दीक मुझे। हाँ भाई, मैं भी काउंटर कर रहा हूँ, मैं आगे से लड़ रहा हूँ। ये हमने मारा स्मैक, ये पेट में मारे घूसे। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे। अब अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको मार लेना है काउंटर, इसकी घुमाएंगे हम टांग। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैच हो रहा है बहुत ज्यादा इंटेंस, ये मुबश्शर सिद्दीक आके गिरा मेरे ऊपर। अब ये मूसा खाना चढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसकी टांगे खींच के हम इसको तार लेंगे। इसको आपने ज्यादा ऊपर चढ़ने नहीं देना, आपने ध्यान रखना है कि ये नीचे से इतना गिर जाए। फिर हमने मारना है इसका सर अपनी नी कैप के ऊपर, बिल्कुल ऐसे करके। ओए ओए ओए, किधर? बॉडी स्लैब। ये मुबश्शर सिद्दीक को पकड़ लिया। ओए 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 ओए, नॉकआउट कर डाला। हम इतनी आराम से हार नहीं मानेंगे। अब हमने इसके बॉल्स पे मार लेना है। ओ भाई, सिग्नेचर मूव पड़ने वाला, हैवी अटैक होने वाला है। गया मैं, खत्म, मेरी गेम खत्म। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बनाया कबाब, और वो भी मट्टी के अवन में। और अब हम इसको कर देंगे पेन। इसी के साथ मुबश्शर सिद्दीक को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओए होए 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 होए, अब जिंदाबाद मुबश्शर, मजा ही आ गया। तो जैसे आपने देखा मुबश्शर सिद्दीक इस मैच में जीत गया है। अब हमें तो पता था कि मुबश्शर सिद्दीक ने इस मैच में जीत जाना है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कमजोर सा आदमी मुबश्शर सिद्दीक के बिल्कुल यू नो इन फ्रंट स्टैंड नहीं करता। लेकिन आपने देखा है कि अगर आप गांव में जाएंगे और मुबश्शर सिद्दीक की हांडी या सालन जलाएंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। अभी सब छोड़, चेक करते हैं कि मुबश्शर सिद्दीक का पावर लेवल क्या है। एक सेकंड जरा मैं चेक कर लूं। It's over 9000.
तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस लड़ाई में मेरा हो गया हशर नशर और आपका भी हो सकता है अगर आप मुबशर सिद्दीक को कभी चढ़ाएंगे गुस्सा। और हम इस वीडियो को अब करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आप देखना चाहते हैं शाम इदरीस वर्सेस डकी भाई तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो और हम शाम इदरीस और डकी भाई का भी AI सिमुलेटेड मैच करा देंगे। एंड मुबशर सिद्दीकी इफ यू आर वॉचिंग दिस मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक जेन्युइन बहुत बड़ा फैन हूँ। जितने भी लोग आपके कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना कि लव योर वीडियोस बिग फैन, वो आपके असल फैन नहीं, मैं आपका असल फैन हूँ। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, आपकी वीडियो ने मुझे बड़े बड़े बुरे टाइम से निकाला। मैंने आपकी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वीडियोज देखी हैं, चीजों में मजाक उजूक में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को लंबी जिंदगी दे। और मेरी ड्रीम है कि एक दिन हम दोनों पाकिस्तान में कोलैब करें। अभी मैं अमेरिका हूँ लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान में चक्कर लगाऊंगा मेरी ड्रीम है कि मैं आपके साथ एक कोलैब वीडियो बनाऊँ ऑन कुकिंग, क्योंकि मैंने भी अपने चैनल पे बड़ी कुकिंग की है। तो आई डोंट नो इफ यू एवर सी दिस, शायद अल्लाह मौका दे तो आप इस वीडियो को देख लें, लेकिन थैंक यू फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। और बस क्या कह सकते हैं, खैर come here, girl, go happy, go with it.